फ्रेंड्स, कल जब मैंने आप लोगों से ओपिनियन लिया था कि इस वीक में मैं कौन सा वीडियो बनाऊं, तो सबसे ज़्यादा जो वोट्स आप लोग के आए थे वो आए थे एलमेंडा प्लांट की कटिंग कैसे लगानी है। तो मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो पर बनाई थी, उसमें कटिंग्स लगा के भी दिखाई थी, बट आज के वीडियो में मैं आपको अपडेट भी दिखाने वाली हूँ, जो मैंने कटिंग्स लगा रखी थी उनमें कैसी ग्रोथ हुई है और कितने टाइम में हुई है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा आज का, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं कि कटिंग नहीं लग पाती एलमेंडा की। आज मैं जो आपको टिप्स देने वाली हूँ, कुछ दो तीन टिप्स देने वाली हूँ जिनको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाली। तो जल्दी से देख लेते हैं क्विक रिकैप पिछली वीडियो का कि कटिंग हमने लगाई कैसे थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेनी होगी इस तरीके की कटिंग, जो कि सॉफ्ट कटिंग है और ये हार्डवुड कटिंग नहीं है, ना सेमी हार्डवुड है। आप देख सकते हो ये न्यू ग्रोथ वाली कटिंग है। तो 3 से 4 नोड एरिया वाली कटिंग आपको लेनी होगी। और अगर आप कटिंग बाहर से लेके आ रहे हो, मतलब आपके घर के प्लांट की कटिंग नहीं है, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड, ध्यान से सुनना आप लोग, कि जो भी कटिंग्स होती हैं एलमेंडा की वो डिहाइड्रेट बहुत जल्दी होती हैं। तो आप बिल्कुल जिस टाइम भी कटिंग कलेक्ट करते हैं तुरंत किसी पानी की बोतल में उसको भर के रख लें, और उसके बाद घर आके आप लगाएंगे तो आपकी कटिंग लग जाएगी। लेकिन अगर आप पानी में डिप करके नहीं लाते हो फिर लगाते हो तो चांसेस उसके लगने के कम हो जाते हैं। और दूसरा, इसी मौसम में ही आप ट्राई करें, गर्मियों में ट्राई ना करें बिल्कुल भी। मार्च में भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। और इसे लगाने के लिए मैंने बिल्कुल सैंडी सॉइल ली है, आप देख सकते हो, जिसमें 60% मैंने सैंड लिया, रिमेनिंग 40% में सॉइल और कॉम्पोस्ट है। और रूट हार्मोन मेरे पास था तो मैंने इसमें जो कटिंग्स हैं उन्हें रूट हार्मोन में डिप करके लगा रही हूँ। आपके पास नहीं हो तो आप हल्दी, सिनेमन या वो भी नहीं हो तो फंजीसाइड आप ले सकते हो। साफ सबके पास होता है, साफ वेबस्टिन जो भी हो, सिस्टमैटिक फंजीसाइड, उसमें आप कटिंग को डिप करके इस तरीके से लगा दें। और उसके बाद वाटरिंग करने के बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम करना है वो ये है कि आपको किसी भी अपने इंडोर प्लांट के ऊपर जहाँ ब्राइट लाइट आती हो इस तरीके से रख देना है प्लांट को जो आपने लगाया हुआ, और छोटे पॉट से ही शुरू करना है। और ये जो है, ये कटिंग जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये मैंने 25 अगस्त को आप लोगों के साथ लगाई थी, और ये आप देख सकते हो कि इसमें न्यू ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। ये दोनों कटिंग जो मैंने अभी आपको लगानी दिखाई है उनमें आप देख सकते हो कि 6 डेज में कितनी बढ़िया ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है, मतलब कटिंग हमारी फेल नहीं हुई है। तो आपको मैंने सारे टिप दे दिए कि कितनी आसानी से आप कटिंग लगा सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुंद की कटिंग भी लगाई थी आप लोगों के साथ, उसमें भी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। रीज़न यही है कि जो है, जब हम लोग नर्सरी में जाते हैं तो नर्सरी में क्या करते हैं, नर्सरी वाले पॉट्स में कोई भी टिकरी विकरी नहीं लगाते हैं, या पॉली बैग में लगा रहे होते हो तो डायरेक्ट ज़मीन पर रख देते हैं, तो ज़मीन की उनको ठंडक मिलती रहती है कटिंग्स को, और उनकी कटिंग्स जो है फेल नहीं होती हैं। तो ज़मीन की जो ठंडक है वो ज़मीन तो हम टेरेस पे नहीं ला सकते, बट हाँ, पॉट्स रख सकते हैं, इंडोर वाले पॉट्स जिनमें हल्की सी मॉइस्चर सा बना रहे और कटिंग को ठंडक मिलती रहे। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो आर्टिफिशियली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट कितना बढ़िया है। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स मेरी ये जो कटिंग्स आप देख रहे हो, ये 20 डेज पहले की हैं। ये 20 डेज पहले मैंने जो लगाई थी वो कटिंग्स हैं, और आप देख सकते हो कि मैंने इनको कैसे एकदम छुपा के कलांचों के गमले के ऊपर रख रखा था। अब मैं इसे निकाल के आपको दिखाऊंगी कि इसमें रूट्स कैसी ग्रो हुई, और इसमें बहुत सारी कटिंग लगाई है, एलमेंडा वाइन की भी है। तो बिल्कुल एक लाइक तो फ्रेंड बनता है, क्योंकि ये बेचारे कटिंग्स जो है आपके लिए आज मैं इस पॉट से निकाल रही हूँ, और आप देख सकते हो कितने ब्यूटिफुली इसमें रूट्स फॉर्मेशन हुआ है। और इसके अंदर जो है एलमेंडा वाइन की कटिंग भी है, और एलमेंडा जो प्लांट होता है वो भी है। ये वाइन वाली कटिंग है, ये आप देख सकते हो जो टॉल जा रही है ये वाइन की, और ये जो प्लांट है उनकी है, और सब कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करें, अगर आपके पास जो भी कलर के एलमेंडा नहीं हैं उनकी कटिंग आपको मिल सकती है। तो सारे टिप्स मैंने आपको दे दिए कि आपको कैसे करना है, कटिंग लाने के टाइम में क्या सावधानी बरतना है, और कटिंग को कैसी लोकेशन पे रखना है, और कटिंग लगाने के लिए सॉइल कैसी होना चाहिए। तो अगर आप ये सारे जो मेरे टिप्स हैं उनको अगर फॉलो करेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहेगी।
और यहाँ पर जो आप ये आइजोरा देख रहे हो, ये भी मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। लास्ट ईयर मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया था और इस बार इसमें बंच भी आ गया फ्लावर्स का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय।